मलप्पुरम में 4 लोगों की मौत से हड़कंप मचा है। दरअसल इंदिरापुरम के वैभव खंड में पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत का यह सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां 8वीं मंजिल से पति और उसकी 2 पत्नी छत से कूद गए। एक महिला की मौत हो गई है जबकि दूसरी महिला अस्पताल में एडमिट है, भर्ती है। इससे पहले घर में सो रहे अपने दोनों बच्चों की गला दबाकर हत्या की इन्होंने, और घरेलू कलह में हत्या और सुसाइड की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सनसनीखेज ये खबर है। दरअसल गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यहां के वैभव खंड के 8वीं मंजिल से एक व्यक्ति और 2 महिला, यानी कि कुल 3 लोगों ने छलांग लगा ली, जिसमें से पति और पत्नी की मौत हो गई है, एक महिला गंभीर रूप से घायल है। कृष्ण सफाई अपार्टमेंट है और ये सुबह 5:30 के लगभग एक सूचना मिली थी UP 112 को कि यहाँ की 8वीं मंजिल से 2 लेडीज एक पुरुष ने छलांग लगाई है। पुलिस तत्काल यहाँ पर पहुँची और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, जिसमें एक पुरुष और एक महिला की जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल पहुँचे और एक लेडी उसमें घायल थी जिसकी बाद में इलाज के दौरान डेथ हो गई। फ्लैट खोलकर देखा गया तो उसके अंदर 2 बच्चे और बेड पर मृत पाए गए और एक सुसाइड नोट इन्होंने दीवार पर लिखा है, एक कागज़ भी उसमें मिला है चिपका हुआ और कुछ पैसे भी चिपके हुए मिले हैं दीवार पर टेप से। उसमें ये लिखा है कि ये सब हम सुसाइड खुद कर रहे हैं और इसे इन पैसों से हमारा क्रियाक्रम कर दिया जाए। कुछ आर्थिक कारण प्रथम दृष्टया इसमें आया है। इनके भाई को सूचित किया गया जो झिलमिल कॉलोनी दिल्ली में रहते हैं, वो आ जाएंगे तो सारी चीज़ें इसमें क्लियर करेंगे। तो SSP सुधीर कुमार जिनको आप सुन रहे थे, दरअसल पूरा मामला इंदिरापुरम के वैभव खंड की 8वीं मंजिल से छलांग लगाने का, जिस A805 नंबर का फ्लैट जहां ये लोग रहते थे, और जैसा कि SSP बता रहे थे एक सुसाइड नोट वहां चिपका हुआ है, उसके साथ ही एक नोट वहां पर 500 रुपये का चिपकाया हुआ और कहा गया, सुसाइड नोट में लिखा गया है कि हमारा जो अंतिम संस्कार है, जो हमारा क्रियाक्रम है, वो उससे किया जाए। हमारे संवाददाता जुबैर इस वक्त ऑनलाइन पर हमारे साथ हैं। जुबैर, बेहद हैरान करने वाले वाली और सनसनीखेज ये खबर, सुबह तकरीबन 7:20 पर ये घटना घटी है, क्या इस बारे में डिटेल और मिल पाई है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, ये मामला काफ़ी चौंकाने वाला है क्योंकि सुबह सुबह ये घटना हुई है और पुलिस हालांकि इसमें हत्या के उससे भी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जांच कर रही है। इसमें खास बात ये है कि जब पुलिस घर में दाखिल हुई थी तो उसे दीवार पर कुछ नोट 500 के नोट चिपके हुए मिले जिस पर लिखा हुआ था उसमें अपनी सुसाइड क्यों की है, उन्होंने अपने साड़ों को जिम्मेदार ठहराया है इसमें, और साथ ही कुछ बाउंस चेक भी थे जो कि दीवार पर चिपके हुए मिले थे। इसमें इस मामले में करीब ये इनकी बताया जा रहा है जो मृतक हैं और उनकी 2 पत्नियां थीं, उन्होंने कूद के आत्महत्या की है अपनी बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से, और 2 बच्चे थे उसमें, एक लड़का एक लड़की, उनकी करीब गला दबा कर बताया जा रहा है कि हत्या की गई है। तो ये मामला पहली उसमें तो ये लगता है कि आर्थिक तंगी थी जिस वजह से ये हत्या और आत्महत्या की गई है, लेकिन पुलिस इसमें पूरी तरीके से जांच जो कर रही है, खासतौर से हत्या को लेकर के भी चल रही है। हालांकि जो इनके भाई हैं उन्होंने भी ससुराल वालों पे ही अपने भाई के आरोप लगाया हत्या का। बहुत अभी उलझा हुआ ये पूरा मामला है। जुबैर, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। जाहिर है इसमें पुलिस जो है वो आप इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन सुबह सुबह आई ये खबर बेहद हैरान कर देने वाली और दहशत भर देने वाली खबर, क्योंकि 2 बच्चों की पहले गला दबाकर हत्या की गई जिनकी उम्र 12 और 13 साल है, और उसके बाद 8वीं मंजिल से इन तीनों ने ही छलांग लगा ली, जिसमें पति और उसकी एक पत्नी जिनकी मौत हो गई है, जबकि दूसरी पत्नी गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है, घायल अवस्था में।